बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो से हम ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और कुछ ट्रीज बना रहे हैं मुख्तलिफ नंबर्स की। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम एक कुछ नंबर लेंगे और उसकी एक ट्री जो है ना वो बनाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये बाइनरी सर्च ट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैं ये बार बार लेक्चर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पुख्ता हो जाए कि किसी भी नंबर की हमने बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनानी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, 78 है, 69 है, 43 है, 70 है, उसके बाद 17 है, 96 है, 68 है, 82 है, उसके बाद 100 है एंड 99 है। अगर हमने इसकी बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करनी हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को हम एज ए पेरेंट रूट नोड जो है ना वो ले लेते हैं। तो ये हमारा पेरेंट रूट बन जाएगा और उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे, जो इससे नंबर बड़े होंगे उनको हम राइट साइड पे जो है ना वो लगा देंगे, और जितने भी 78 से छोटे नंबर होंगे उनको हम इसके लेफ्ट साइड पे मूव करा देंगे। तो ये देखें, हमने 78 को एक चाइल्ड नोड बना लिया, पेरेंट चाइल्ड नोड जिसे कहते हैं, सॉरी पेरेंट रूट नोड बना लिया, और ये देखें हमने इसके अंदर लिख दिया 78। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 69। अब 69 78 से छोटा नंबर है तो ये क्या बन जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 43। अब 43 78 से छोटा नंबर है तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, और 43 69 से भी छोटा नंबर है तो ये भी क्या कर जाएगा, इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया जी 70। अब 70 78 से छोटा नंबर है और 69 से बड़ा नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, इसके राइट साइड पे जो है ना वो मूव कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नंबर 17। अब 17 78 से छोटा नंबर है और उसके बाद 69 जो है ना उससे भी छोटा नंबर है तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है जी 43। अब 43 से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये 43 से 17 हमारा छोटा नंबर है तो ये इसका बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नंबर 96। अब 96 78 से बड़ा नंबर है तो ये क्या कर जाएगा, इसके राइट चाइल्ड नोड जो है ना वो बन जाएगा तो ये यहाँ पे इसके हम लगा देंगे राइट चाइल्ड नोड लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया जी 68। 68 78 से छोटा नंबर है तो ये मूव कर जाएगा 69 की तरफ। अब ये 69 से छोटा नंबर है तो ये मूव कर जाएगा इसके लेफ्ट साइड पे, और 68 43 से बड़ा नंबर है तो ये क्या कर जाएगा, इसका जो है ना राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नंबर 82। 82 78 से बड़ा नंबर है तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 96। 96 जो है ना वो बड़ा है जबकि 82 छोटा नंबर है तो ये इसका बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर है जी 100। 100 78 से बड़ा है तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड की तरफ मूव कर जाएगा। अब 100 96 से भी बड़ा है तो ये इसका बन जाएगा राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है जी 99। अब 99 जो है ना वो 78 से बड़ा नंबर है, उसके बाद ये मूव कर जाएगा 96 की तरफ। अब 96 से भी ये बड़ा है तो ये मूव कर जाएगा 100 की तरफ। अब 99 100 से छोटा नंबर है तो ये इसका बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। और इस तरह हमारी जो कंप्लीट जो है ना बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो कंप्लीट हो गई है और तमाम नंबर जो है ना वो इसके अंदर मूव हो गए हैं। तो अब इसके अंदर जितने भी बड़े नंबर थे वो इसके बन गए हैं राइट सब ट्री बन गए हैं, और जितने भी छोटे नंबर हैं 78 से वो इसके लेफ्ट सब नोड बन गए हैं। तो इस तरह हमारी ये बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि आपने बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनानी है अगर आपको मुख्तलिफ नंबर दिए गए हों। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।